स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी छोड़ दी है। सपा से स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दे दिया है। पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दिया है। एमएलसी पद से भी इस्तीफा दे दिया है। बड़ी खबर, स्वामी प्रसाद मौर्य। अब से कुछ दिन पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने महासचिव पद से इस्तीफा दिया था और अब पार्टी भी छोड़ दी है। सपा की सदस्यता और पार्टी से स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दे दिया है। चर्चा जोरों पर है कि स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी नई पार्टी भी बना सकते हैं। लगातार सनातन धर्म, हिंदू देवी देवता और साधु संतों को लेकर जो बयानबाजी चल रही थी स्वामी प्रसाद मौर्य की, जिसके चलते समाजवादी पार्टी भी घिर रही थी और सवाल किए जा रहे थे कि आखिर सपा क्यों नहीं कार्रवाई करती है और क्यों स्वामी प्रसाद मौर्य के इस तरह की अनर्गल बयानबाजी को बंद करवाती है। इस बीच कई चुनाव आए और निकल गए, समाजवादी पार्टी को कोई फायदा नहीं हुआ। चौतरफा आलोचना झेलनी पड़ी स्वामी प्रसाद की वजह से और अब कुछ दिन पहले ही उन्होंने महासचिव पद से इस्तीफा दिया था और अब समाजवादी पार्टी और पार्टी की सदस्यता से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अलाउद्दीन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अलाउद्दीन, स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर क्या अपडेट है? इससे पहले महासचिव पद से इस्तीफा दिया लेकिन तब ये माना जा रहा था कि वो चाहते हैं पार्टी उन पर कार्रवाई करे ताकि उनकी सीट बची रहे, लेकिन अब खुद ही इस्तीफा दिया स्वामी ने। कि कल जब वो पत्रकारों से बात कर रहे थे तो बात की तरफ उन्होंने साफ तौर से इशारा किया था कि उनको जो एमएलसी पद दिया गया है वो जल्द ही उसका प्रत्याग कर देंगे। साथ ही उन्होंने समाजवादी पार्टी के जो प्राथमिक सदस्यता है उससे इस्तीफा देते हुए लिखा है कि कई दिन हो गए, 7 दिन हो गए मुझको महासचिव पद से इस्तीफा दिए हुए, लेकिन किसी ने कोई संपर्क नहीं किया, न ही किन मुद्दों को लेकर के मैंने इस्तीफा दिया उस वक्त किसी ने बात करना उचित समझा, तो ऐसे में अब समाजवादी पार्टी में रहना मेरा उचित नहीं है। जैसा कि 22 तारीख को एक बड़ा कार्यक्रम उनका है दिल्ली में, लाल कटोरा स्टेडियम में, हालांकि उन्होंने अपने मुंह से इस बात को नहीं कही लेकिन ये बातें एकदम तय हैं कि उनके कार्यकर्ता, उनके समर्थक से तैयारी कर रहे हैं जो नई पार्टी है उसको बनाने में, तो उन्होंने इस बात की तरफ भी दबे जुबान में कहा था कि वो नई पार्टी बना करके काम करेंगे, वो किसी नई पोलिटिकल पार्टी के दामन नहीं थामेंगे यानी पुरानी पार्टियों की तरफ भी नहीं जाएंगे। उन्होंने इस बात को भी कहा था कि जो पोलिटिकल पार्टी वो छोड़ देते हैं उसकी तरफ वो जाते नहीं। उन्होंने बीएसपी का उदाहरण दिया था, BS4 का उदाहरण दिया था, बीजेपी का उदाहरण दिया था, तो कुल मिलाकर के न सिर्फ प्राथमिक सदस्यता से बल्कि विधान परिषद के जो सदस्य हैं उस पद से भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। फिलहाल 1:30 बजे उन्होंने पत्रकारों से बातचीत के लिए कहा है, आगे आने वाले दिनों में उनकी अगली रणनीति क्या होगी उसका खुलासा फिर कुछ देर बाद करेंगे, लेकिन News18 ने कल जो उनसे बातचीत की थी वो लगभग आज की बातचीत का जो टॉपिक है वो यही है कि आखिर उनका पॉलिटिकल भविष्य क्या होगा। उन्होंने कहा था कि आदिवासी, ओबीसी, एससी, एसटी की लड़ाई वो लड़ते रहेंगे, उसके लिए एक मंच की उनको जरूरत है, तो शोषित निर्बल जो पार्टी है उसके बैनर तले ही आकर के वो इस लड़ाई को लड़ना चाह रहे हैं। आज उसको विस्तार से थोड़ा वो बताएंगे, तो कुल मिलाकर के 22 तारीख से माना जा सकता है कि वो नए बैनर के तले नई पार्टी की तरफ अपना पॉलिटिकल करियर आगे बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल, और कोई अखिलेश यादव से इससे पहले उनकी कोई मुलाकात हुई? अंदर ही अंदर स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए विरोध के स्वर भी उठ रहे थे, बहुत से नेताओं विधायकों ने आपत्ति जताई थी स्वामी के बयानों को लेकर, तो क्या इससे पहले पार्टी फोरम में इसको संबोधित किया गया था, कभी इस बात पर चर्चा हुई थी? अलाउद्दीन, फोरम में इस बात पर कई बार बातचीत हुई थी, स्वामी प्रसाद मौर्य को खासतौर से धार्मिक मुद्दों पर बोलने के लिए मना भी किया था, अखिलेश यादव ने खुद भी कहा था, तो ऐसे में पार्टी की तरफ से किसी ने कोई बात नहीं की। हालांकि राम गोविंद चौधरी कल मुलाकात के लिए गए थे, समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक हैं, पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं, नेता विरोधी दल रहे हैं 2017 से लेकर 22 तक, वो गए थे उनको मनाने के लिए, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने साफ साफ मना कर दिया कि मैं समाजवादी पार्टी का हिस्सा अब नहीं रहूंगा। फिलहाल अखिलेश यादव की तरफ से या उनकी पार्टी के दूसरे किसी नेता की तरफ से उनको कोई अप्रोच नहीं किया गया है। समाजवादी पार्टी का मानना है कि ऐसे में अब अप्रोच करना बेहतर नहीं होगा, जिस तरह से कल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा था कि समाजवादी पार्टी में वक्त पड़ने पर लाभ लेने के लिए लोग आते हैं, लाभ लेने के बाद चले जाते हैं, फिर पार्टी की तरफ वो मुड़के नहीं देखते। ये बड़ा कटाक्ष था उनके लिए और शायद इसी कटाक्ष पर उन्होंने कल कहा भी था कि जो उन्होंने पद दिया है मैं उसको जल्द ही वापस कर दूंगा। शायद 24 घंटे के अंदर ही उन्होंने अपने दिए बयान पर अमल किया है और विधान परिषद सदस्य इस्तीफा दे दिया है, तो जिस तरह से कल सपा अध्यक्ष का जो कटाक्ष था उसको देख कर नहीं लगता है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनसे दोबारा कोई बातचीत करने में इंटरेस्टेड है या उनकी पार्टी का कोई नेता रुचि ले रहा है, क्योंकि एक बड़ा तबका समाजवादी पार्टी के अंदर उनका विरोधी हो गया था, उनके खिलाफ बोलने लगा था और खासतौर से धार्मिक मुद्दों पर जो उनके बयान थे उसको लेकर।